बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑन द इशू में मैं हूँ आपके साथ ज़ीशान अली। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र पंजाब के 7 तलीमी इदारों को दोबारा से बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना केसेज में इजाफे के पेश नज़र पंजाब के 7 शहरों में तमाम तलीमी इदारे 15 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट में तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। 15 से 28 मार्च तक ये तलीमी इदारे बंद रहेंगे। मुआवने खसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने बताया कि तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि सिंध और बलोचिस्तान में कोरोना केसेज की शरह कम है और इन सूबों में 50% तलबा तलीमी इदारों में हाजिरी देते रहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम इस हवाले से करेंगे और इसके साथ साथ कानून के ऊपर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो कानून है क्या वो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए और है। अगर अमीर कोई वायलेशन करता है तो उसे क्या माफ़ी दी जाती है, और अगर गरीब कोई छोटी सी चोरी भी कर ले तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाता जाऊँ। आदिल अकमल हैं नुमाइंदा सियालकोट हमारे साथ, फरहान शाह होंगे नुमाइंदा गुजरात और जेहलम से, राशिद वट्टू साहब नुमाइंदा मुल्तान से, और सीनियर तजिया निगार अफजल बेग साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह से पंजाब के 7 जो शहर हैं उन्हें बंद कर दिए गए, तलीमी इदारे उनके बंद कर दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद की इस टाइम क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस को लेकर? क्या सिर्फ तलीमी इदारे बंद करने से ही ये काम हो जाएगा या इन्हें और भी चीजों को बंद करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो है ये कोई गुज़िश्ता ब्लास्ट से जो है वो बची हुई है, और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देखा आपने कि लाखों लोग जो है दुनिया भर में वो लुकमा अजल बन गए। पाकिस्तान में भी जो है वो वफात की शरह जो है वो ज्यादा सुनी हुई दुनिया के मुकाबले में, लेकिन लामहाला यहाँ से भी काफी जानी नुकसान हुआ है। पहली लहर आई, फिर इसकी दूसरी लहर आई, आप सुनने में आया कि एक तीसरी लहर है जो कोरोना की जो है इस वक्त चल रही है। तो इसका दुनिया का जो निजाम कारोबार है वो तो गुज़िश्ता साल से ही पूरी तरह डिस्टर्ब है। तमाम कारोबारी अदारे जो है उनकी सारी स्ट्रेटेजी ही चेंज होगी इस काम के हवाले से। और जहां तक एजुकेशन की बात है तो बच्चों का लामहाला पूरा साल जो है वो एजुकेशन का पूरी तरह मुतासर हुआ है, और अगर इसके ऊपर को मजीद मुकम्मल कंट्रोल ना हासिल हुआ तो मुझे लगता है कि शायद ये जो आने वाला नया साल है वो भी कोरोना की नजर ही ना हो जाए। लेकिन तो जहां तक इस्लामाबाद की आबादी का ताल्लुक है तो हमें ये देखना है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ रंग नस्ल और कौमों के लोग जो है, मुख्तलिफ मुल्कों के सफारत खाने यहाँ है, तो जो हाई क्रीम कहने जो है ना लोगों की वो यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में पाई जाए। तो लामहाला यहाँ पे उसके हिफाजी इकदाम को भी जो है वो देखा जाता है। हमें अक्सर मकाम के ऊपर जो है खूस बैंकों में मास्क की पाबंदी नजर आती है कि मास्क के बगैर आप बैंक में दाखिल नहीं हो सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, डॉक्टरों से नहीं मिल सकते। तो इसी तरह अगर हम इसकी कोई पूरी तरह पाबंदी कर रहे हैं एसओपी के तहत, तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमें इस आजमाइश से जो है वो पूरी तरह। लेकिन बेग साहब, तलीमी इदारे बंद कर देना या फिर रेस्टोरेंट्स बंद कर देना, दफातर या जो भी इस तरह की चीजें हैं इन्हें बंद कर देना, क्या ये ज्यादा बेहतर है या एसओपी पर अमल करवाना ज्यादा अहम है? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में लोग जो हैं वो एसओपी पर अमल करते हैं हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम सियासी पार्टीज की अगर बात करें तो उन्होंने जलसे भी किए, धरने भी दिए, सारा कुछ हुआ, उनमें आपने कितना एसओपी देखा कि उन्होंने एसओपी पर अमल किया हो? निशान बदकिस्मती से हमारे मुल्क में चूंकि रेट ऑफ एजुकेशन बहुत कम है, और अभी तक भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको सिर्फ मजाक समझते हैं कि जी कोई कोरोना नहीं है, बस हमें इन्होंने ये ड्रामा बनाया है, दुनिया भर में ऐसा कहता नहीं है कि ये कोरोना एक हकीकत है जिसको हमें सामना करना है और हम कर रहे हैं। तो जहां तक हमारे मुल्क में सियासी लोगों के मामला का ताल्लुक है तो इन लोगों को तो सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं, इन्हें ना अपनी शायद परवाह तो यकीन बहुत ज्यादा होगी लेकिन अवाम नाज के हवाले से इन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर धड़ेबंदी में आके बच्चे मारे जाते हैं, सियासी लिहाज
लेकिन बेग साहब आपको नहीं लगता, बेग साहब आपको नहीं लगता कि इदारे बंद कर कर और आप जो सियासी पार्टीज है वो खुलेआम बाहर जलसे करती रहे, जलूस करती रहे, रैलियां निकालती रहे, तो क्या पाकिस्तान में फिर इस वबा को कंट्रोल किया जा सकता है? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ निशांत साहब, खाली नुमाइशी काम नहीं करने चाहिए ना, कि अच्छा जी ये अपना स्कूल बंद कर दिए जी, ये कॉलेजेस बंद कर दिए जी, ये शादी हाल बंद कर दिए। देखे जिन बच्चे बच्चियों की निकाह की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, जिन बच्चों के वलीमे की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, तो वो पूरा एक निजाम ही डिस्टर्ब हो जाता है। हमें ये इसका हल नहीं है कि हम इसकी पाबंदी लगा दें, हाँ हमें उसकी जो अपना हिफाजती तदाबीर है उसके ऊपर हमें देखना है, उसको हम अच्छे उसकी एजुकेशन दी जाए ज्यादा से ज्यादा जो है, और लोगों को एजुकेट किया जाए कि भाई आपने एसओपी का ख्याल करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सामाजिक फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो चाइना ने देखें इन्हीं असूलों के ऊपर चलते हुए अपने मुल्क से इस चीज का कला कमा किया। राइट बेग साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जरा वहाँ की सूरत हाल जान लूँ। राशिद भट्टू साहब आप बताइएगा, मुल्तान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कोरोना वायरस की? वहां पर स्कूल तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, क्या बाकी इदारे भी बंद हुए हैं या मुल्तान में एसओपी इस पर अमल किया जा रहा है लोगों की तरफ से? बहुत शुक्रिया। जैसा कि कोरोना की दूसरी बड़ी लहर पाकिस्तान में आ चुकी है, हमने पहले भी सिर्फ एसओपी को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें इतने बड़ा लोगों को खाना पड़ा। हर टाइम हुकूमती नुमाइंदे बात के सिर्फ यही बात करते हैं कि कॉलेज और शादी हाल वगैरह पार्क वगैरह हम बंद कर देते हैं। बंद करने का मकसद ये नहीं है, सबसे पहले हमें एसओपी जो है वो फॉलो करवाने की जरूरत है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वैसे तो हम बहुत बातें करते हैं, छह फीट का जो हम फासला रखेंगे, ऐसे चीज मास्क पहनेंगे, हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी हम जो कोरोना की वजह से करवाना चाह रहे थे कोई भी ऐसे चीज हम फॉलो नहीं करवा सके, जिसकी वजह से अभी फिर दोबारा आज भी जैसे कि वो बता रहे थे सबको साथ के दो हफ्ते के लिए स्कूल और शादी आज बंद है 15 अप्रैल तक। उसके बाद वो नब्बे वाला कह रहे थे कि होटल वगैरह के इंडोर आउटडोर टोटली बंद है। अगर इस हवाले से देखा जाए तो मुल्तान में भी कुछ केसेस सामने आए हैं, गवर्नमेंट नुसरत जो पब्लिक स्कूल है उसमें भी 2-3 अफाजा को कोरोना के पॉजिटिव होने के मसबत आए हैं, जबकि बच्चे भी 10 से 12 बच्चे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। अच्छा राशिद, मुझे ये बताइएगा होटल जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हो, इन जगहों पर क्या मास्क की पाबंदी देखी जा रही है कि लोगों को मास्क के बगैर अंदर जा रहे हो मुल्तान के लोग, या मुल्तान के कोई ऐसे क्राउड वाली जगह जहां पर लोग मास्क का इस्तेमाल ना कर रहे हो? जी निशान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में मुल्तान में देखा जाए या कहीं भी देखा जाए कोई भी बंदा किसी भी जगह पे बड़े प्लेटफॉर्म में जहाँ पे लोगों का रश होता है, जहाँ पे बड़े मेडिकल हॉल्स हैं, पार्क है, होटल वगैरह, निजाम जैसे ही चलता जाता तो पहले चल रहा था, जिसकी वजह से हमें ये लोग उठाना पड़ रहा है। कोई भी बंदा पर्सनल तौर पर अगर इस एसओपी को फॉलो करता है तो मेरे ख्याल में कोरोना वायरस को हम अपने जो ये बीमारी आ रही है पैनेडेमिक इसको हम कवर कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। राइट फरहान, कृष्णा साहब ने भी बड़ी सख्ती से नोटिस लिया, लेकिन नोटिस लेने का मकसद ये नहीं है कि हम राइट राइट राशिद साहब ठीक है। फरहान आपकी तरफ आना चाहूंगा, फरहान आपकी तरफ आना चाहूंगा, झेलम में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कोरोना की? फरहान आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी भाई, गुजरात और झेलम से क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं फरहान, आपकी कोरोना की जो बढ़ती हुई फिर लहर पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए जो इकदामात उठाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गुजरात और झेलम के लोग एसओपीज पर पहले अमल करते दिखाई दिए थे या अब उस पर अमल करना शुरू कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया दिशान भाई आपका। यहाँ पर गुजरात में तो आपको पता है कि अभी जो हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसमें गुजरात भी शामिल है, जहाँ पे तालीमी इदारों को जो बंद करने का नोटिफिकेशन है वो इन्होंने दिया है। अभी हुकूमत ने कोरोना की वबा बढ़ती शहर के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में 2 हफ्तों के लिए जो तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। अभी इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इंतजामिया की तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से कामयाब है इंतजामिया इस चीज पर अमल दरामद कराने में। एसओपी तो
कच्छ के अलावा और कई जगह पे जो ऐसे इजमा वगैरह किए जाते हैं, वहाँ पे तो कोई एसओपी का जो अमल दरामद है वो तो देखने में मिल ही नहीं रहा ना। अभी इसकी जो तीसरी लहर है ये इंतहाई शदीद और खतरनाक बताई जा रही है। आपको मैं इसी हाल से जेलम के मुतालिक अगर बताऊँ तो यहाँ पर आज जो प्रेस रिलीज आई है हेल्थ अथॉरिटी की, इसमें 10 मजीद अफराद की जो है ना रिपोर्ट आज के कल जो है वो मौसूल हुई है। इस वक्त तो टोटल जो है वो कोरोना के 64 जो है वायरस से मुतासर मरीज है जो कि कोविशील्ड को आइसोलेट किया गया है और 9 कोरोना वायरस से मुतासर मरीज है जो अस्पताल में जो है इलाज है। अभी आप इसमें अगर बात करें तो इंतजामिया तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे अगर बंद करते हैं इधारों को या कोई भी आपसे पाबंदी लगा दें किसी जगह पे भी आप ये करते हैं इसमें तो इनको कोई कामयाबी नहीं है ना। ऐसे तो कुछ नहीं होता, अक्सर औकात जो है वो बंद कमरों में भी वही काम होता है, बाहर भी ऐसे ही होता है, हर जगह पे तो इंतजामिया जा नहीं सकती। तो इंतजामिया मेरे ख्याल में टोटल जो है ना वो आपकी तरफ आना चाहूंगा, सियालकोट की क्या सूरत है आप देख रहे हैं जरा सियालकोट की सूरत हाल से आगा करें। जी बहुत शुक्रिया निशान। सियालकोट में अब तक की जो सूरत हाल है उसके पेश नजर मैं आपको बताऊं तो सियालकोट में अब तक जो कोरोना वायरस के मरीज जो जेरे इलाज है उनकी तादाद 25 है, जिनमें से एक गुज़श्ता हफ्ते जो है वो इंतकाल भी कर गया कोरोना वायरस का मरीज। तो तश्वीशनाक जो हालत है वो अभी तक कोरोना वायरस की है, जो तीसरी लहर बताई जा रही है उनके केसेस हैं यहाँ पे सियालकोट में। और अगर बात स्कूलों की की जाए तो जैसे कि वफाकी वजीर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 जो जिले हैं तो पंजाब के उनके उनमें मुकम्मल तौर पे जो तालीमी इदारे हैं वो बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट के जो इंडोर आउटडोर बंद किया जा रहा है। इसमें मजीद भी जो शादी हाल पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो शादी हाल के हवाले से पड़ा है, जैसे कि अफजल बेग साहब ने भी बात की थी कि जिन लोगों की शादियों की डेट फिक्स हो चुकी है, लोगों के कार्ड जो है वो इन्विटेशन जो है वो लोगों को सबको जो है वो मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे शादी हाल मान खान का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो रिलेटिव है वो भी नाराज होंगे जिन्होंने इन्विटेशन सेंड किए गए हैं। तो जो ये हल नहीं है इसका जो हुकूमत ने जो लॉन्च किया है कि ये 7-2 हफ्तों के लिए जो है वो स्कूल बंद कर दिए जाए ताकि कोरोना वायरस मोहल्लों में खेलते हैं वहाँ पे जो है वो ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस के फैलने का, ना कि स्कूलों में बैठने से। राइट नाजरीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपना मैं अपने नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मुख्तलिफ शहरों से हमें तफसीलात से आगाह किया। अभी यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनका मैं बाद में आपसे तारुफ कराऊँगा। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात शाम 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर, रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर नया लाहौर, हुकूमत Jinnah was born on December 25th, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi.
1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. ट्रैफिक इशारों की चार इकसाम होती हैं, लाजमी इशारे, एहतियाती इशारे, मालूमाती इशारे और हिदायती इशारे। लाजमी इशारे ये गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं, ये ट्रैफिक को दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र कोई हुक्म देते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिले गिरफ्त है। बाएं चलें, बड़ी गाड़ियों की ओवरटेकिंग मना है, आगे दोहरी सड़क शुरू है, आगे दाखिला मना है, 5 मीटर तक ऊंची गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है, कौमी हद रफ्तार नाफिस है, पुलिस और कस्टम चेक पोस्ट रुकें, दाएं बाएं रोड क्लियर होने दें, 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी खत्म है, ओवरटेकिंग मना है, 1 एक्सल पर 8 टन वजन तक की गाड़ियों की इजाजत है, हॉर्न बजाना मना है, पैदल अशखास का दाखिला ममनू है, सामने से आने वाली गाड़ियों का पहला हक है, 3 मीटर की चौड़ी गाड़ियों के लिए दाखिले की इजाजत है, सीधा आगे आ जाएं, हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। लाजमी गोल चक्कर दाखिल होने से कबल दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को क्लियर होने दें, हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा, पार्किंग मना है, दाएं मुड़ना मना है, मत रुके, सड़क खाली रखें, तमाम आयद करदा पाबंदियाँ खत्म है, आगे पुलिस पोस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, अफजल बेग साहब ने हमें स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है, इमरान सुहेल साहब सीनियर एनालिस्ट नहीं सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ साथ नताशा रहमान जो स्पेशल क्राइम का प्रोग्राम करती हैं, वेलकम कहता हूं आपको। इससे पहले कि आपसे मैं सवाल जवाब करूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और अपनी जो आवाम है वो भी ज़रा इस वीडियो को गौर से देखें। ज़्यादा बोला मस्तेगा फायर मस्तेगा मानू जी। नाजरीन ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि शहीन शाह फरीदी के भाई और कज़न मंगनी के मौके पर जिस कदर हवाई फायरिंग कर रहे हैं उनकी वजह से पूरे मोहल्ले में खौफ हरास भी पैदा हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा शहीन शाह फरीदी के कज़न्स और भाई ने मंगनी के मौके पर जिस तरह से फायरिंग की, फिर निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शहीन शाह के कज़न ने कहा कि खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करना कोई जुर्म नहीं है, इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ जो लोग पावर्स में हैं वो चाहे किसी का कत्ल करें, चाहे वो फायरिंग करें, चाहे वो किसी गरीब पर जुल्म करें, क्या उनके लिए सब कुछ माफ़ है? अच्छा यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमेशा ट्रेंड सेट होते हैं और सुपरस्टार से अपनी बड़ी शख्सियात जो होती हैं वो हमेशा ट्रेंड सेट करती है और लोग उसको फॉलो करते हैं। फैशन की बात कर लें, फैशन में चले जाते हैं, और अगर अच्छी गाड़ियों की बात कर लें, अगर अच्छे कपड़ों की बात करें, अच्छे घरों की बात करें, तो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर ये हो कि शाहिद आफरीदी जो पाकिस्तान के बिलाशुबा एक सुपरस्टार हीरो हैं रहे हैं और शाहीन आफरीदी भी उभरते हुए सुपरस्टार हैं, तो एक मौका आता है खुशी का, लेकिन खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का एक और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने इस वीडियो को वायरल करके ये बताना चाहा कि आप इस मुल्क में ताकतवर तरीन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कि आप कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, कानून को पैरों तले रोने, आप जो मर्जी करें, आपको कोई पूछ नहीं सकता। क्या है यार, आप अगर पाकिस्तान के स्टार हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर लेंगे। कहाँ है पीसीबी जो पूछे शाहीन शाह आफरीदी को बुला के कि ये क्या हो रहा है? बुलाए है ना, हिम्मत है शाहीन इन सब लोगों को बुलाने की,
कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो ये कहेंगे कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे माजी में ऐसे वाक़ात हुए, प्लेयर्स ने इतनी अजीब अजीब हरकतें की, लेकिन पीसीबी ने कहा कि ये उनका ज़ाती फेल है। ठीक है, ज़ाती फेल है तो आपकी तरबियत और ट्रेनिंग कहाँ पर है? और यहाँ पर सोचना होगा उन तमाम लोगों को कि जिस तरह से पुलिस एक पिस्टल निकलने पर, एक हवाई फायर करने पर, वन व्हीलिंग की फुटेज सामने आने के ऊपर लोगों को पकड़ते और इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन करते कि कहीं से भी पकड़ के लाना पड़े तो पकड़ के ले आते हैं। यहाँ पर तो 6-7 बंदे आपके सामने हैं, शाहीन शाह अफरीदी का वालिद है, उसके सारे भाई हैं, तो आए ना उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, एक मिसाल सेट करें कि भाई कानून सबके लिए एक है। लेकिन यहाँ पर होता ऐसा नहीं है, ताकतवर हमेशा ताकतवर ही रहता है और गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, और कभी भी गरीब के ऊपर जो है वो जुल्म जो है वो ढाया जाता है, और हमेशा से अमीर आदमी को छोड़ दिया जाता है, रोबदार आदमी को छोड़ दिया जाता है, और वो इस तरह के जुर्म करने को अपना जो है वो फ़ख्र समझते हैं। वो बताते हैं कि भाई हाँ हमारे पास सब कुछ है, कोई हमारा आके बिगाड़ना चाहता तो बिगाड़ ले। इटसेल्फ उन्होंने एक तमाचा मारा है कानून के मुंह के ऊपर और हमारी सोसाइटी के मुंह के ऊपर कि यार हमारे पास पैसा है, हम रोब वाले, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो हाँ आप ट्राइबल एरिया से हैं, आपका ताल्लुक किसी भी जगह से है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं। अब आप पाकिस्तान की कानून की जो है वो आपको इज्जत करनी होगी, अगर इज्जत नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपके खिलाफ बातें की जा रही है फिर आप सुनने के लिए तैयार हैं। राइट नताशा, मैं इमरान की तमाम बातों से एग्री करता हूँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कानून कहाँ पर खड़ा नज़र आ रहा है? क्या कानून की कोई हैसियत नहीं, कानून को कोई नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई कानून है उस पर हमें अमल दरामद करवाना है? अब बहुत से इंटरव्यूज़ भी करती हैं एसपीज़ के भी, एसएचओज़ के, डीएसपीज़ के, जब उनसे आप सवाल करती हैं तो वो कैमरे के सामने तो साफ अल्फाज में कह देते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेते, हम किसी इदारों के नीचे नहीं लगे हुए, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। तो फिर कानून अपने ये जो वायलेशन करते हैं लोग जो अमीरजादे हैं, इन्हें कानून क्यों नहीं पकड़ता? ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें नज़र नहीं आता। अगर गरीब की तरफ देखें, अगर उन्होंने कोई FIR करानी है ना तो उनको 100 धक्के थानों में खाने पड़ते हैं और उसके बाद जाके कहीं FIR होती है, और उसके लिए भी लोग काफ़ी रिश्वत देते हैं, SHO के तरले करते हैं कि हम लोग रोज़ पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। लेकिन अब चूँकि शाहीन शाह अफरीदी के भाई ने और देखा जाए उनके कज़न्स ने फायरिंग की है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही अगर हम टिकटॉक की बात कर लेना तो टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया, अगर वो गरीब हैं अमीर हैं। लेकिन कानून मेरे ख्याल से सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो अमीर ज़्यादा होते हैं वो अपनी ताकत की बिना पर, अपने पैसे की बिना पर लोगों को हरेसमेंट भी करते हैं, फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो SHO को रिश्वत दे देते हैं, DSP को, और इसके साथ साथ पॉलिटिशियंस की बात कर लें तो पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही करते हैं, अपनी मर्जी का अपने इलाके में SHO ले आते हैं, जिसको उन्होंने पकड़वाना होता है पकड़ के, और फिर उसके बाद कह देते हैं कि जी हमारा कोई हाथ नहीं है, सियासत का इसमें कोई हाथ नहीं है। लोगों, अमीरों के लिए तो कानून है ही नहीं ना, वो अपने पैसों से कानून को खरीद लेते हैं, अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। राइट बेग साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इक्तदार में आने से पहले इनके बहुत से ऐसे दावे थे कि कानून जो है वो तमाम लोगों के लिए एक होना चाहिए, अमीर गरीब के लिए एक होना चाहिए, अगर कोई अमीर है तो उसे आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए अगर कोई वायलेशन करता है। तो अब ये जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? निशान, मैं क्या कह सकता हूँ, बदकिस्मती है ये बहुत बड़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि तुमसे पहली कौमें सिर्फ इसलिए उजड़ गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई कि वो क्या करते थे कि वो उनका अमीर अगर कोई शख्स जो था, मफहूम पेश कर रहा हूँ, अल्लाह कभी भी क्षमा फरमाए, कि अगर कोई ताकतवर माशरे का फर्द जुर्म करता था तो उसको वो पूछते नहीं थे, और अगर कोई गरीब करता था तो उसको वो छोड़ते नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जब तक कानून सबके लिए यकसान लागू नहीं होगा तब तक जो है वो इसके ऊपर काबू पाना जो है वो मैं समझता हूँ कि मुश्किल नहीं बल्कि ना मुमकिन हद तक जो है वो मैं कह सकता हूँ। अब अगर बात आ जाती है PTI की गवर्नमेंट के हवाले से, तो देखिये हमारे जो रवैये है ना, उन रवैयों का जो एक माइंड सेट होता है वो ये हो गया है कि भाई अगर थोड़ा
तो जो उसमें से चंद लोग वायलेशन करेंगे उनको कानून के जरिए सीधा किया जा सकता है। लेकिन जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, जहां एक मामूली सा एक जो काउंसलर है वो आपके पकड़ में ना आए, तो फिर बाकी दीगर लोगों के ऊपर हम क्या कानून की बालादस्ती कायम करेंगे? नहीं, क्यों नहीं कर सकते बेशक, ये क्यों नहीं हो सकता ना? एक मिसाल कायम करें ना, हुकूमत पीटीआई की है, खान साहब नोटिस ले ले, वजीरे दाखला नोटिस ले और कहे जिन्होंने ये फायरिंग की वजीरे दाखला के, वफाकी वजीरे दाखला के अंदर तो पूरा मुल्क आता है ना, तो वो एक ऑर्डर जारी करेंगे भाई इसे पकड़े जाके। क्यों नहीं कर सकती आप? क्यों गवर्नमेंट की इतनी उन्हें बेबस समझ रहे हैं? क्यों उन्हें इतना बेबस बता रहे हैं? मुआशरे के साथ साथ हुकूमत के पास पावर है ना, वो दो तगड़े लोगों को पकड़ के दिखाए, छोटे वाले आप ही ठीक हो जाएंगे। राइट, आपके साथ में इमरान भाई, ये बिल्कुल आप जा फरमा रहे हैं, ये अगर कोई थोड़ी सी मिसालें सेट कर दी जाए तो ये एक बारिश का पहला कतरा साबित होगा। अगर कोई किसी ताकतवर के खिलाफ अगर कानून हरकत में आए और उसको जो है वो इबरत की तस्वीर बना के पेश किया जाए, तो आपने जैसा बात की थी कि ये जो स्टार होते हैं ये माइंड सेट करते हैं, ये फैशन को सेट करते हैं, इनके लोग तकलीफ करते हैं दूसरे लोगों। राइट बेग साहब, इमरान मैं आपकी तरफ इमरान आपकी तरफ आना चाहूंगा कि ये ट्रेंड जो एक बन रहा है या काफी अरसे से बना हुआ है, ये ट्रेंड हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उमर अकमल एक शादी की पार्टी में डांस कर रहे थे, उसकी वीडियो वायरल हुई थी, उस पर पीसीबी ने भी बहुत उंगलियां उठाई, उस पर लोगों ने भी बहुत उंगलियां उठाई। तो अब ये जो मामला है, इसे आप क्या समझते हैं कि उन लोगों को सजा दी जाएगी या उनसे पूछताछ की जाएगी? अच्छा, पता क्या है कि सबसे पहली बात तो फिल फॉर वफाकी वजीर दाखला या फिर जो भी सुबह उन्हें फौरन नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी बात, आपको मैं आज बात बता दूं तो रिकॉर्ड में रहेगी ये बात कि आज ट्राइबल एरियाज में जिस तरह से हवाई फायरिंग का वाकया दिखाया गया था, बहुत अरसे से नहीं हो रहा था, ट्राइबल एरियाज में इस तरह के वाकयात होते थे लेकिन रुक गए थे। लेकिन अब देखिएगा कि ये तसलसल किस तरह से आएगा, लोग अपनी वीडियोज को वायरल करेंगे, छोटी से छोटी चीज को वायरल करेंगे और ये प्ली लेंगे कि अगर एक स्टार के भाई या कजन ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें अगर उन्हें कानून आज नहीं पकड़ेगा ना तो ये रवायत बनेगी और हर बंदा कहेगा कि मैं इससे बड़ा ताकतवर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम। आपने देखा, फीडबैक देना मत भूलिएगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.